नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक भुर्जी बनाएंगे जो झटपट बन के तैयार हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसे बनाने के लिए अंडा लिए है, कटी हुई प्याज, कटी हुई टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन बारीक कटी हुई, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और तेल। तो सबसे पहले अंडा को फोड़ के एक बॉल में रख लेते हैं। सभी को इसी तरह फोड़ के रख लेंगे। अब इसे फेंट लेंगे। इसे अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गई है, अब इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन इसे भी डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च, अब इसे चलाते हुए भून लेंगे। दो मिनट प्याज को भून लिए हैं, अब इसमें कटे हुए टमाटर को डालेंगे। और इसे चला के मिला लेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, अब इसे चलाते हुए मसाला को एक दो मिनट भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए हरा धनिया को मिलाएंगे। मसाला को भून लिए, अब इसमें फेंटे हुए अंडा को डालेंगे। तो सभी को इसी तरह चलाते हुए मसाला में मिला लेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, सकने नहीं देंगे। 3-4 मिनट इसे भून लिए हैं और इसका दाना छोटा छोटा ही रहेगा। इस तरह से अगर बड़ा हो तो दबाते हुए तोड़ देंगे इसको। एक भुर्जी बन के तैयार है, अब इसे सर्व करने के लिए निकाल देंगे।
एक भुर्जी बन के तैयार है और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीका से एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।